top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. एक्चुअली फॉग आज बहुत ही ज़्यादा है. दो दिन बाद ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा फॉग हुआ है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है फ्लाईओवर्स पर, जहाँ पे विजिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं के बराबर है. तो टू व्हीलर्स तो बिल्कुल सेफ नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि थोड़ा सा मेट्रो का हमारा अच्छा साथ है कि हमें मेट्रो तक हमने टू व्हीलर ले लिया है और बाद में हम अपना आराम से मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं. तो मेट्रो इज़ सेफ, तो मुझे तो लगता है कि टू व्हीलर नहीं ड्राइव करना चाहिए. दो चार दो है दिक्कत हो रही है. घर से जल्दी निकलने के बावजूद भी लेट पहुंच रहे हैं और गाड़ी की स्पीड जो 40-50 थी वो 10-20 के हिसाब से चल रही है. विजुअल ज़्यादा नहीं, 100 मीटर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. तो ऑफिस पहुंचना, ऑफिस के बाद मार्केट के लिए जाना होता है, तो तब इंजॉय करते हैं. वजह से एक तो बिल्कुल रास्ता कुछ दिखाई नहीं देता, जिस वजह से हमें जैसे 9 बजे ऑफिस पहुँचना हो, जैसे रेगुलरली हम 7 बजे निकलते थे, उससे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था, जिस वजह से कि रास्ता क्लियर ना देखे फिर एक्सीडेंट का वो चांस रहता है. इसलिए हम स्लो स्लो बहुत धीरे धीरे आके
एक घंटा पहले ही निकलना पड़ता है। ये तो मुसीबत वैसे अभी 15 जनवरी तक ऐसे रहेगी, 15 जनवरी अब तो बहुत स्लो, जैसे 5 के रेस पे आप 5 या 10 के रेस पे हम घर से निकले ताकि मतलब सुरक्षा पहुंच जाए स्टेशन में। हाँ सर, अभी फॉग आज इतना ज़्यादा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, और मतलब मैं जनरली 60-70 की स्पीड से चलता हूँ, बट मैं ना 10-15 की स्पीड से 20 की स्पीड से चल के आ रहा हूँ। काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।